हर रिश्ते में अनबन होती है, चाहे वो आपके माता पिता हों, सास ससुर हों या आपके मित्र ही क्यों ना हों। रिश्ते में अनबन को कैसे दूर करें, बताएंगी हमारी विशेषज्ञ करिश्मा कौर। हेलो, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वेदर इट्स इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो रोज बहुत फ्रीक्वेंटली हमारी लाइफ में आ सकती है, चाहे वो किसी कोवर्कर के साथ हो, चाहे वो किसी सिग्निफिकेंट अदर के साथ हो, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो। मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तीन स्टैंडर्ड तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तीन रूल्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, जिसको फॉलो करने से एटलीस्ट आप उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस लड़ाई को, उस आर्ग्यूमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सबसे पहला रूल है, नेवर गो टू बेड एंग्री। अगर हम रात तक किसी चीज़ के बारे में लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको वो लड़ाई उस दिन ख़त्म करने का मौका ना मिले और आप सो जाएं। आपको भी एक्सपीरियंस से पता होगा कि उस रात को नींद नहीं आएगी। आपको ये भी पता होगा एक्सपीरियंस से कि अगली सुबह जो होगी आपकी वो बहुत इरिटेटेड, अंडर स्लेप्ट और एग्जॉस्टेड होगी। तो उससे क्या होगा कि बाकी का जो पूरा दिन है, चाहे वो आर्ग्यूमेंट उस दिन ख़त्म हो चाहे ना हो, उस दिन का जो अल्टीमेट आउटकम है वो खास पॉजिटिव नहीं रहेगा। और उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो ये है कि साइकोलॉजिकली जिस भी इंसान के साथ आपकी वो वाली कॉन्फ्लिक्ट, वो वाली आर्ग्यूमेंट या लड़ाई हुई थी, उसके साथ कभी भी दूसरी लड़ाई होगी तो सबसे पहला आपका डर ये होगा कि अब मेरा अगला दिन भी ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप ये छोटी सी एक रूल अपना लें अपने लिए कि नेवर गो टू बेड एंग्री, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है, जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसको उसी रात को ख़त्म करें, उसी शाम को ख़त्म करें, तो एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो आ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। दूसरा पॉइंट है, नेवर वॉक आउट इन द मिडल ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कई लोगों की ये आदत होती है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो रहा है, ज़्यादा हीट अप हो रहा है, और जो दूसरा इंसान है आर्ग्यूमेंट में उसने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है, या ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया है, या ज़्यादा तेज़ बोलना शुरू कर दिया है अपने पॉइंट को ऊपर रखने के लिए, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप वहीं बात को छोड़ के बोलें, हम जा रहे हैं, वी आर डन, आई एम वॉकिंग आउट नाउ। फॉर यू इट माइट बी अ वेरी गुड थिंग कि भाई मैंने आगे बात नहीं बढ़ाई, आपका शायद ये होगा मानना, लेकिन आपने उस इंसान के लिए क्या किया कि जो भी वो कॉन्फ्लिक्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहे थे या जो भी उनका डिस्कशन का पॉइंट था, वो आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उस वक्त उस इंसान को ये नहीं दिखेगा कि भाई सामने वाला बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है या बात को बढ़ा नहीं रहा है, उनको सिर्फ ये दिखेगा कि आपने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात बीच में काट के आप चले गए। अब जो बाद में जो डिस्कशन जो कंटिन्यू होगी वो पिछली आर्ग्यूमेंट से नहीं होगी, वो इससे होगी कि तुम गए क्यों, और ये भी शायद आपको एक्सपीरियंस से पता होगा। तो कोशिश करें कि अगर बात बढ़ रही है तो उस बात को वहीं पे बता दें कि भाई आवाज़ तेज़ मत करो या इतनी ज़ोर से चिल्लाओ मत या बुरे शब्द यूज़ मत करो, लेकिन एटलीस्ट मतलब छोड़ के ना जाएं डिस्कशन को बीच में, जितनी हद तक हो सके उस बात को वहीं पे ख़त्म करें। जो विच टाइज इन विद माई प्रीवियस पॉइंट विच इज़ टू नेवर गो टू बेड एंग्री, एंड गोइंग टू बेड एंग्री डज नॉट सिंपली मीन टू स्लीप, इट ऑल्सो मीन्स टू नॉट फिनिश योर डे एंग्री, ओके। और तीसरी बात है कि नेवर से एनीथिंग दैट यू कैन नॉट टेक बैक और दैट यू विल रिग्रेट लेटर। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब कोई लड़ाई हो किसी के साथ, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, मदर, फादर, कज़न, रिलेटिव, कोवर्कर, सीनियर, फ्रेंड, हुएवर, तो उस वक्त वो ऐसी एक कोई कटु बात बोलते हैं, कोई कड़वी बात बोलते हैं जो उनको पता होता है कि सामने वाले को बहुत तेज़ लगेगी। और कई लोग इस बात को अपनी स्ट्रेंथ भी मानते हैं कि लड़ाई में हम ऐसी बात बोल सकते हैं जो सामने वाले को बहुत तेज़ फील हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको बोलते हैं वार करना। हम जब लड़ाई करते हैं किसी से, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे वाले को हमें घाव दे दें ऐसा जो कभी भरे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर उस रिलेशन को आपने आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि हमेशा एक चोट, एक दाग जो है वो लगा रहे आपके नाम के साथ। तो इसीलिए कभी भी कोई ऐसा वर्ड या ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी बात ना कहें लड़ाई में, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जो आप वापस ना ले पाएं या फिर जो आपको बाद में सोच के मलाल हो ये सोच के कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये सारी बातें जो हैं कहने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है, मैं शायद खुद भी इनको अमल करने में थोड़ा टाइम लूँगी, लिया है मैंने टाइम,
लेकिन मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि ये छोटी छोटी तीन जो बातें हैं, अगर आप इनको अमल करेंगे धीरे धीरे, एक लड़ाई में एक इम्प्रूवमेंट, लेट्स से दैट, तो भी यू विल फाइंड कि आपका जो ओवरऑल पर्सोना है और आपका ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एप्टीट्यूड है वो इमीडिएटली इम्प्रूव होना शुरू हो गया है. क्योंकि अल्टीमेटली रिमेंबर दैट पीस इज़ दी ओनली थिंग. हम जो भी करते हैं पूरे दिन में वो इसीलिए करते हैं कि रात को शांति से नींद आ जाए. तो ये उनमें से एक चीज़ है जिससे शांति की नींद जो है वो इंश्योर हो सकती है. मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com.